अब आपने एक ज्ञान से और इस भक्ति के प्रभाव से और भक्ति की शक्ति से और इस ज्ञान से आप धीरे धीरे जब बड़े हो जाओगे यानी एज्ड हो जाओगे, आपका अपने आप मन हटेगा, इस भक्ति से हटेगा, केवल ज्ञान से नहीं, और लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान भी साथ देगा। अकेला ज्ञान भी काम नहीं करेगा, अकेली भक्ति भी आपको पार नहीं होने देगी, क्योंकि ज्ञान बिना हम भटक जाएंगे और भक्ति बिना, अब ज्ञान भी रहा और भक्ति नहीं हुई तो हमें कोई सारा भगवान का मिले नहीं का, हम तुरंत डगमग हो जाएंगे। तो ऐसे हम ये दोनों मिलकर काम सहयोगी होंगे हमारे लिए। आप जी ने क्या करना है, बच्चों में रहना है, बच्चों को भी अपने भगवान के चरणों में लगाना है। देखो, बच्चे को बचपन से रंग दिया जाओ, इस रंग में उसका जल्दी रंग चढ़ा करे। अब हमें पता है, हम बचपन में जैसी कथाएं किसी से सुना करते वो आज तक हृदय में समाई हुई हैं, और यदि हमारे बचपन से ये हृदय में ये ज्ञान भर दिया जाता तो बहुत पहले बात बन जाती। तो ठीक इसी प्रकार आप जी अपने बच्चों को, अब बुढ़ापे में क्या होता है, बूढ़े की जो वृद्धावस्था में या तो बाल खिलान की ड्यूटी लग गया करें, बच्चे यानी पोते पोतों को अपने पास, अब तो खैर बालक हैं स्कूल में जाने लगे, पहले ज़्यादा समस्या थी बुढ़ा के जी ने, तो अपने उन पोतों को या छोटे बेटों को, बेटियों को, पोतियों को, या कोई देवता देवती आ जाते हैं उनको, तो उनको अपने भगवान की कथा सुनावे, और पहला सुना करते भूतां की कथा, वो बालक भी डर जाते, रात ने अकेले पेशाब करने भी ना जाते बाहर। तो हमने इस प्रकार अपने जीवन को इस भक्ति मार्ग पर लगा कर ऐसे सुचारू करना है, इस पर ऐसे हमने प्रोसीड करना है। आप भी मंत्र करें, परमात्मा की कथा सुनावे बालका ने बैठा के दोहरे, और बच्चे बहुत आसानी से समझा करते हैं, सुना करते हैं, आनंद आता है उनको, उनके हृदय में फिर भक्ति इस कथा से, परमात्मा की अमर कथा से उनकी आत्मा में पावर आती है, शक्ति आती है। तो इस प्रकार अपने जीवन को आपने आगे बढ़ाना है। आज आपके पास कार भी है, कोठी, बेटा बेटी, पोता पोती, दोता दोती, सारी व्यवस्था है, लेकिन कल आपकी मृत्यु होगी तो आपकी कहाँ है ये? इस बात ने गांठ मार ले अपने पल्ले के कि ये मेरे नहीं हैं। तो ये किसके हैं? ये परमात्मा के हैं, और परमात्मा हमारा कबीर जी है। कबीर जी ने आपके घर पे पहले तो ये अपनी भक्ति और ज्ञान पहुंचाया, फिर अपनी प्यारी आत्माओं को जन्म दिया, आपका परम कर्तव्य बनता है उस परमेश्वर के बच्चों को, बेटियों को, बेटों को इस राम नाम के रंग में रंग देना, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। और फिर आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि ये कल मेरी मृत्यु होगी तो मेरे नहीं हैं, आज भी नहीं हैं, लेकिन ये हैं किसके? ये परमेश्वर के, उस मालिक के हैं। और इनकी किस प्रकार हमने उस भगवान से डर के इनकी सेवा करनी है, कैसे? जैसे दास पहले सर्विस करता था तो हमारे एक ऑफिस के तीसरा चौथा मकान छोड़कर एक बहुत बड़ा कोई रईस व्यक्ति था, इंडस्ट्री थी उसकी, वो रहता था, उसकी एक 8-9 वर्ष की लड़की थी, और उसने उसके लिए एक नौकरानी ला रखी थी। वो लड़की स्कूल जाती थी और स्कूल वहाँ से, उस लड़की का स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा 2000 फुट होगा, यानी यहाँ से ये सड़क, इससे थोड़ा और आगे लगा लो 2-4 एकड़, 500-400 फुट और होगा। तो उसके लिए उसने ना कोई गाड़ी की थी, वो लड़की पैदल चली जाती थी और उसकी नौकरानी उसके साथ छोड़ कर आती थी और छुट्टी के समय लेकर आती थी। दोपहर के समय गर्मियों में देखा, एक छोटा सा छाता, वो उसकी नौकरानी तो धूप में और उस लड़की के ऊपर छोटे से छाते से वो छाया करके ले जाती और लाती थी, और अंदर फिर उसको कितनी सेवा करती होगी, उसके कपड़े धोने पर आने, ड्रेस बदलने, उसके रोटी पौनी खिलाने, सारा प्रकार के वो कार्य करती थी। अब वो उसको कितना प्यार देती थी,
और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने मुड़कर देखा भी नहीं वह लड़की भूखी है कि प्यासी है, क्योंकि उसको पता था कि तेरी नहीं है। और उस समय वो सेवा इतनी कर रही थी, उसको पता था ये मालिक की है, मालिक की बेटी है, यदि मैं सेवा नहीं करूंगी तो मेरी बात बिगड़ जाएगी, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सोचकर, मालिक की बेटी समझ कर वह इतनी सेवा कर रही थी, स्वयं धूप में और उसके ऊपर छाए तो छाया। ऐसे ही आप जी ने ये बच्चे पोते पोती बेटा बेटी जो हैं, ये उस परमात्मा के मालिक के बच्चे हैं, और इनकी सेवा में यदि आप कमी छोड़ोगे तो आप दोषी हो जाओगे इस दृष्टिकोण से। और फिर ये सोचिए कि आपके पास कितनी संपत्ति है, और कल मृत्यु हो जाती तो आपकी नहीं है। यदि आप जी ने भक्ति नहीं कर रखी है तो मनुष्य जीवन तो मिला ही नहीं, फिर कुत्ता बनकर आशा रह जाती है कि मेरा मकान मेरी कोठी, फिर कुत्ता बनकर उसी कोठी में उसी मोहल्ले में गली में उत्पन्न हो जाता है, और जिस कोठी को बनाने में सारा जीवन लगा दिया, अब उसका उसमें प्रवेश भी निषेध है उस कुत्ते का, और बाहर गली में बैठा है उसकी छाया में बाहर। तो पुण्यात्माओं ये याद रखना, यहाँ से तो आप जी ने जाना ही पड़ेगा, अब हमने यहाँ से तो जाना पड़े हीगा, तो क्यों ना टारगेट बना ले के सतलोक चले जावा, जहाँ आशा तां बासा हुई। यदि आप जी की इच्छा यहाँ किसी संपत्ति संतान में या परिवार में रहेगी तो पुनर्जन्म होगा, और आप जी भक्ति खूब श्रेष्ठ कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू शास्त्र कर रहे हो, आपकी कमाई भक्ति की कमाई अध्यात्मक आपकी जो धन है ये अनमोल अंतोल अनलिमिटेड हो रहा है, इतनी कमाई है आपकी, और फिर पुनर्जन्म हो गया आपका, मनमान्य राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो, इन मंत्रों की में इतनी शक्ति है, लेकिन दुर्गति तो फिर शुरू होगी वह, और वो काम न्योका न्यू रहेगा जिसके लिए सिंगर का आए थे, जिसके लिए हम कमर कसी थी। तो इस प्रकार हमने यहां से निकलने के लिए इन फार्मूलों को, परमात्मा के द्वारा दिए गए हिंट्स को आधार बनाना होगा। क्या बताते हैं परमात्मा, भाई काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होए, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खोए। जब शरीर तेरा नहीं है तो या कायाकार कोठी तेरी कहाँ से होगी, बोली आत्मा, इनको भूल दोनों को, ना शरीर तेरा है ना संपत्ति तेरी है ना परिवार तेरा है, इसलिए भगवान की भक्ति में आरूढ़ हो और अपना कर्म भी करता रहे, बुराइयों से बचकर चल, और अंत समय में जब आप जी यहां से चलोगे उस समय देखना जिन्होंने सत भक्ति की हुई है और अंतिम श्वास तक मर्यादा में जो रहे हैं उनको परमात्मा यान में बिठा के ले जाएगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया और हमने अपने सतलोक में जाना है, और सतलोक में सतलोक वो स्थान है जहाँ जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता, और वहाँ ऐसी ही व्यवस्था है। तो इस ज्ञान को देने के लिए परमेश्वर कबीर जी आए थे। जब वो 5 वर्ष की आयु लीला में करने लगे, 5 वर्ष के हो गए, उसमें विद्वान पुरुषों के साथ वो विचार विमर्श किया करते थे, उनके साथ डिस्कस करते थे, उनसे प्रश्न किया करते थे। जो हिंदू समाज को मार्गदर्शन कर रहे थे ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर गुरु, उनसे प्रश्न परमात्मा एक ही प्रश्न किया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन हैं,
तो सभी हंस दिया करते थे, श्रोता भी हंस दिया करते थे, वो गुरु भी हंस दिया करता था कि ये जुलाहा अनपढ़ अशिक्षित अनएजुकेटेड ये कैसी ओठ पटांग बातें कर रहा है, देख लो भाई श्रोताओं ये कैसा मूर्ख है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये तीनों सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो सभी श्रोता भी इस बात को हंस कर टाल देते थे कबीर जी को, कबीर जी का मजाक करते थे परमेश्वर का, और वो अनाड़ी थे उनके गुरु जी थे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने एक दिन क्या लीला की, क्योंकि वो परमेश्वर एक एग्जाम्पल कोड करने आए थे, एक उदाहरण पेश करने आए थे, ऐसे ही आते हैं प्रत्येक युग में। वो स्वयं ही एक अच्छे सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हैं, स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक श्रेष्ठ नागरिक की भूमिका वो परमात्मा किया करते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा ने, परमेश्वर जी ने सोचा कि उनका नियम है, इस परमात्मा के पाणे का प्रभु ने बताया है, भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु जी के बिना, परमात्मा कहा करते थे कि गुरु जी के बिना आपका कोई भी भक्ति मार्ग सफल नहीं हो सकता, न तो दान दिया सफल है और न ही आप जो नाम की माला फेरते हो, मंत्र जाप करते हो, ये भी व्यर्थ है। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी ही, गुरु आगे आदीन। और हिंदुओं को प्रमाण दिया करते थे कि तुम राम और कृष्ण जी से ऊपर नहीं मानते किसी को, सुप्रीम पावर मानते हो। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से नाम लिया, वो उनके गुरु जी थे, और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से नाम लिया, वो उनके गुरु जी थे। श्री कृष्ण जी के संदीपनी जो थे वो गुरु अक्सर ज्ञान कराने वाले थे, जैसे टीचर होते हैं, और आध्यात्मिक गुरु उनके दुर्वासा जी थे। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोक के वेदनी मालिक और गुरु आज्ञा अधीन। तो इन वचनों से आप जी का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि गुरु जी के बिना जो साधना की जाती है वो नुग्रा होता है, और वो चाहे स्वयं भी संत बन जावे और अन्यों को उपदेश देता है, वो व्यर्थ है। ये राधा स्वामी पंथ जहाँ से चला है, वो कौन थे, वो श्री शिवदयाल जी थे, श्री शिवदयाल जी सेठ शिवदयाल जी थे, और उनके कोई गुरु नहीं थे, उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया था, और उन्हीं शिवदयाल जी से फिर आगे बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा बना दिया राधा स्वामी का, और ब्यास में श्री जयमल सिंह के उत्तराधिकारी श्री सावन सिंह जी थे, सावन सिंह जी से उपदेश लेकर के सरसा के अंदर जो सच्चा सौदा कहते हैं जिसको, वो श्री खेमामल जी नाम था उनका, खेमामल, और वो बलोचिस्तान के रहने वाले थे, तो बलोचिस्तानी सामस्ताना उसको कहा जाता था। उन्होंने श्री सावन सिंह जी राधा स्वामी से उपदेश लिया था, और यहाँ सिरसा में आकर के अपनी तरफ से उसने फिर अलग से एक ब्रांच बना दी, जो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा दे दिया। पहले वो पांच नाम ही देता था, बाद में इनको टोका टाकी करन लागे कि पांचों नाम तो काल के हैं, तो इन्होंने क्या किया, मनमुखी तीन नाम शुरू कर दिए, अकाल मूर्त, सतपुरख और शब्द स्वरूपी राम। ये कोई नाम है, ये तो परमात्मा के एक उपमात्मक नाम है।